इतना गुस्सा क्यों तोड़फोड़ कर रही हो यार? कहीं मेरा इंपोर्टेड फर्नीचर खराब तो नहीं कर दिया तुमने? अगर खराब कर दिया ना तो नया फर्नीचर मैं तुमसे ही लूंगा। वैसे मैं दहेज लेने में विश्वास तो बिल्कुल नहीं करता, और ना ही तुम मेरी बीवी हो कि तुमसे दहेज लूंगा मैं। अगर नुकसान करोगी तो भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब इसका बिल मैं नीला आंटी को दूं या माधवी ताई को? हो गया, अब चले। एक मिनट, ऐसे चलोगी? एक खूबसूरत दुल्हन को किसी की नजर लग गई तो? चले। इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसे तो दो सिचुएशन में लोग भागते हैं, या तो ओलंपिक की रेस हो या फिर पुलिस का केस हो। क्वेश्चन ये है, तुम किस सिचुएशन से भाग रही हो? आइए। लो, दरवाजा तो बंद कर लेता। बेबे, शादी की है, कोई चोरी तो ना की है? क्यों ना निया? हाँ, वैसे ये भी ठीक है। ले, पढ़। ये क्या है बेबे? सिंदूर है। ओहो, तू फड़। बहू की मांग सुनी है, भर दे मांग उसकी। तुझे पता है, जितनी लंबी लकीर उतना लंबा रिश्ता। हालांकि तूने तो लगाया ही नहीं है सिंस। अरे वाह, अब लग रही है ना तू खन्ना खानदान की बहू। बधाई दे दूं मैं तेरी, किसी की नजर ना लगे। अब क्या ही कर रही है, चले। नील। या थैंक यू। क्या चीज मेरी है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने सुबह तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं अच्छे से जानता हूँ एक लड़की की जिंदगी में सिंदूर की क्या अहमियत होती है।